पप्पू यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज के दौर में इंटरफेथ इंटर रिलीजन शादियां जहाँ इतना मुश्किल है, तो सोचिए 90s में कितना मुश्किल रहा होगा। एक प्रेमी का जिद, प्रेमिका का इनकार से लेकर सुसाइड अटेम्प्ट तक क्या नहीं है इस कहानी में। कई सारी चीज़ें कॉलेज लाइफ से आती रही हूँ, लेकिन वो मेरे जीवन का कोई पथ नहीं था, इसलिए हम बढ़ते रहे। लेकिन जब MLA बनने के बाद टेनिस खिलाड़ी के रूप में हम कोच के गए मैदान में, और जब हम लोग एक हम पर्सनली उनको तो कोई मतलब ही दुनियादारी से मतलब नहीं था। दो साल तक तो उनको पता ही नहीं था कोई आदमी वाच भी कर रहा है, कोई आदमी उससे प्यार भी कर रहा है, कोई आदमी उसको देख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। 2 साल के बाद उनको वहाँ के वॉचमैन ने कहा तो उनको अच्छा नहीं लगा, कहाँ इंटर रिलीजन, कहाँ सिख, कहाँ हम, सोचा भी नहीं जा सकता था। उनके पिताजी आर्मी के बाद हेड ग्रंथी हो गए थे पटना गुरुद्वारे साहब के, और हेड ग्रंथी काफ़ी बड़ा सिख में कट्टरता होती है, कच कृपान ये सारी चीज़ें अमृतसर के हुए थे, तो सवाल ही नहीं उठता। तो लगातार रिफ्यूज़ल होता रहा, नाना होता रहा, लेकिन हम मेरा सरेंडर, मेरा समर्पण लगातार चल। 3 साल के बाद थोड़ा सा अमावस्या के रात में एक तारा भवजुगनी समझ में आया, तब लगा कि चलिए इस भवजुगनी से हम धीरे धीरे रास्ता अख्तियार कर सकते। तो फिर भी लंबे समय लगे, बहुत सारे परिवार को भी लोग इन्वॉल्व हुए, हमारे एक चाचा थे बी एन सिन्हा, पापा हमारे बहुत ही फ्री, हमारे अपने बेटों को जीवन में कितना बेहतरीन इंसान बने, एक बेहतरीन इंसान की कल्पना ही मेरे माँ बाप दादाओं ने हमेशा की, तब भी हमको बहुत कॉपरेट की मेरे। तो उसमें एक आलवालिया साहब हैं, वो भी, हम लोग भी, बहुत सारे लोगों का हमारे इस प्रेम को मिलाने में, नज़दीक करने में, हमारे छोटे साले हैं विक्की जी, उनका भी। और जब हम लोग एक नज़दीक हो गए, तो फिर बहुत बड़े सारू हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम लोग सबका बड़ा योगदान रहा कि चलिए जो हुआ सब आगे बढ़े। प्रेम कोई पूछ के तो होता नहीं, सोच के तो होता नहीं। कहाँ इंडिया लॉन्ग टेनिस खेलने की वाली खिलाड़ी, कहाँ इंटर रिलीजन, कहाँ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कभी सोचना सिवाय खेल के, गुरुद्वारे के, पढ़ाई के कोई मतलब भी नहीं। और मुझको लगता है कि हमारी जो लव स्टोरी है कि हीर रांझे या लैला मजनू से बहुत ऊपर, कमी नहीं होगा, बहुत ऊपर। कई सारे सरकमस्टेंसेस आए, जहर का सरकमस्टेंसेस आया। अच्छा, आपके तरफ मतलब जहर क्या? बहुत सारे सरकमस्टेंसेस, सोचा नहीं जा सकता था, इंटर लगता था क्या होगा, तो लेकिन था। फिर बाद में उनको भी लगा कि एक लड़का जो इतना पागल हो, अब धीरे धीरे स्वाभाविक है, सब कुछ के बावजूद कोई आदमी किसी के लिए लगातार सरेंडर कर दे मीरा के तरह, तो किस्मत तो आना ही पड़ा। तो भक्त और भक्त का सवाल था, ये प्रेम का सवाल था।